स्थानीय निकायों के चुनाव की तिथि घोषित होते ही राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी गोटियां बिठाने में जुट गई हैं। अर्की नगर पंचायत में भाजपा ने सभी 7 वार्डों के लिए अपने समर्थित उम्मीदवारों की घोषणा कर अन्य सभी दलों से बाजी मार ली है। अर्की मंडल भाजपा के अध्यक्ष डीके उपाध्याय ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि अर्की नगर पंचायत के सभी 7 वार्डों के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेता रतन सिंह पाल व मंडल के सभी कार्यकर्ताओं से गहन चर्चा के उपरांत सर्वसम्मति से पार्टी समर्थित उम्मीदवारों की सूची तैयार कर दी गई है। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही पार्टी समर्थित जिला परिषद BDC व पंचायत के प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी जाएगी। आज भारतीय जनता पार्टी अर्की मंडल की विशेष बैठक नगर पंचायत अर्की के संबंध में यहां थी। 2 बार पहले भी ये बैठक रखी थी, उसमें सभी स्थानीय जो हमारे पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता है, पार्षद चुने हुए पार्षद है, मनोनीत पार्षद है और हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय रतन सिंह जी पाल और मंडल के पदाधिकारी सबके साथ जो है गहन चर्चा करने के उपरांत आज भारतीय जनता पार्टी अर्की मंडल अर्की नगर पंचायत स्थानीय निकाय चुनाव के संबंध में भाजपा समर्थित सभी वार्डों के उम्मीदवारों की आज घोषणा करता है। उसमें वार्ड नंबर 1 से हमारे कांता भारद्वाज जी, वार्ड नंबर 2 से हमारे सुरेंद्र शर्मा जी, वार्ड नंबर 3 से भारती वर्मा जी, नंबर 4 से हमारे नरेंद्र गुप्ता जी, 5 नंबर वार्ड से कमलेश गुप्ता जी, वार्ड नंबर 6 से गौरव गुप्ता जी और वार्ड नंबर 7 से भावना गुप्ता जी भारतीय जनता पार्टी की जो है पार्टी समर्थित उम्मीदवार मंडल घोषणा करता है। ठीक है। अर्की से नीरज गुप्ता की रिपोर्ट।